आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के बाद अपने गुरु की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत, गुरुवार को बलिया होंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद के गोद लिए सीएससी जंगल कौड़िया की व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, कहा चिकित्सकों के साथ उपलब्ध होगी चिकित्सकीय उपकरण, एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीन, जिससे लोगों को मिल सके तत्काल इलाज की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को जंगल कौड़िया में निर्माणाधीन महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय व स्टेडियम का किया निरीक्षण, कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। महिला से पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता किए जाने का वीडियो हो रहा है वायरल, एसपी सिटी ने कहा वायरल की गई वीडियो के संबंध में नहीं मिली है कोई तहरीर, किसी व्यक्ति को अगर हो जानकारी तो एसपी सिटी के कार्यालय में दे सूचना, होगी कार्यवाही। हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के कटसहरा गांव में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में हुए लापता दोनों बच्चों को मां ही लेकर गई थी दिल्ली। बुधवार को बच्चों को मां सहित थाना कश्मीरी गेट पुलिस ने सकुशल किया बरामद। गोरखपुर पुलिस की टीम दिल्ली हुई रवाना, सीओ खजनी इंदु प्रभा सिंह ने दी जानकारी। आमजन को छुट्टा पशुओं से होने वाले नुकसान के लिए मुख्य पशु अधिकारी और सीडीओ होंगे जिम्मेदार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के पशुधन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पशुधन विभाग की समीक्षा के दौरान दिए निर्देश। कोरोना के बीच शुरू हुई जेई से जंग की तैयारी, जुलाई माह में चलेगा संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान, आशा घर घर देंगी दस्तक, सीएमओ ने दी जानकारी। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रेहड़ी पटरी दुकानदारों के टीकाकरण केंद्र और नगर निगम के निर्माणाधीन सदन भवन का करेंगे निरीक्षण, कूड़ा निस्तारण गाड़ी कॉम्पैक्टर को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नगर निगम दौरे को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट, प्रशासनिक अधिकारियों ने परखा तैयारी, जांची गई सुरक्षा व्यवस्था। गोरखपुर में बुधवार को मिले 12 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,205, अब तक 833 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान, 219 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। दवा विक्रेता समिति के तत्वावधान में दवा विक्रेताओं के लिए नगर निगम परिसर में लगाया गया कोविड वैक्सीनेशन कैंप, दवा कारोबारियों ने बढ़ चढ़कर कराया वैक्सीनेशन, कहा नहीं हुई कोई दिक्कत। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बुधवार को पहुंचे जंगल कौड़िया के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख ब्रिजेश यादव के घर, उनकी भाभी के निधन पर शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढांढस। नगर निगम ने महानगर में अभियान चलाकर हटवाया अवैध होर्डिंग्स पोस्टर, दी चेतावनी, कहा बिना अनुमति के न लगवाएं होर्डिंग्स पोस्टर। जनपद में जिला अस्पताल सहित कुल 80 केंद्रों पर 7,408 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, सीएमओ ने कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और शासन के द्वारा लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का बुधवार को भी देखने को मिला असर, सड़कों पर रहा मिला जुला असर।